पाकिस्तान की मरूफ गुलकारा आइमा बेग अदाकार शहबाज शिगरी से ब्रेकअप पर बात करते हुए जज्बाती हो गई। आपको ब्रेकिंग दें, गुलकारा हाल ही में अहमद अली की पॉडकास्ट में शरीक हुई, जिस दौरान मेजबान ने उनसे शहबाज शिगरी से हुए ब्रेकअप से मुतालिक सवाल किया, जिसके जवाब में आइमा बेग ने बताया कि कुछ खुफिया कहानियां थी जो पीछे चल रही थी, जो किसी को नहीं पता, और वो ऐसी कहानियां हैं जिस पर मैं बात करना नहीं चाहती क्योंकि शादी दो खानदानों में होती है। हमारे खानदानों के दरमियान कभी कोई मसले नहीं हुए, दोनों तरफ से फैमिली बहुत समझने वाली थी। गुलकारा ने मजीद बताया, ब्रेकअप का फैसला हमारा बाहिमी था, लेकिन यह फैसला बुनियादी तौर पर मेरा था। मैंने सोचा था कि अब हमें इसके लिए नहीं जाना चाहिए, ताहम मुझे लगता है कि फैसला गलत सिमत पलट गया। उन्होंने मजीद कहा, ब्रेकअप के वक्त मैंने मदाहों के लिए सोशल मीडिया पर एक मैसेज लगाया था जिसे बहुत अजीब तरह से लिया गया। लोगों ने सिर्फ मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस वक्त मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम किया। मेरे भाई और बहन सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग को मुझसे छुपाते थे, लेकिन मुझे मालूम था कि क्या हो रहा है क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल फोन था। गुलकारा का ये भी कहना था कि जब मेरी जिंदगी में ये सब कुछ चल रहा था तो मुझे खुदकुशी जैसे ख्यालात आने लगे थे।